केस से नाम हटाने के लिए दरोगा जी को पैसा चाहिए। दरोगा जी दलाल भी रखते हैं, केस के हिसाब से वसूली करते हैं। मतलब ये कि पैसा लाओ, केस से अपना नाम हटवाओ। सही सुना आपने, अगर आपके पास पैसा है तो लाइए और केस से अपना नाम हटवाइए। कुछ ऐसा ही खेल चल रहा था पूर्णिया सदर थाने में। इस खेल का खुलासा तब हुआ जब सदर थाने के दारोगा संतोष कुमार और उनके सहयोगी मतलब कि दलाल एनुल हक निगरानी टीम के हत्थे चढ़ गया। यह गिरफ्तारी 40,000 रिश्वत लेने के आरोप में हुई। दरअसल थाने में एक युवती के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज था। इस कांड में अभियुक्तों का नाम हटाने के एवज में 30,000 का डिमांड एसआई संतोष कुमार और 10,000 का डिमांड उनके सहयोगी दलाल एनुल हक ने किया था। एसआई संतोष कुमार और उनके साथ एक प्राइवेट व्यक्ति जो अपने को थाना का ड्राइवर बताता था, मोहम्मद एनुल सोनू, उनके सुनीता कुमारी के घर जाकर के उनसे उनके परिजनों के नाम को केस से हटाने के लिए, आरोपी के नाम से हटाने के लिए एसआई के द्वारा 30,000 रुपये की मांग की जा रही थी और उक्त तथाकथित प्राइवेट ड्राइवर के द्वारा 10,000 रुपये की मांग की जा रही थी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जब का सत्यापन कराया गया तो शिकायत को सही पाया गया और आरोप को सही पाते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा 11 सदस्यीय धारावाहिक का गठन किया गया और आज एसआई संतोष कुमार और वो प्राइवेट व्यक्ति मोहम्मद एनु सोनू, एसआई संतोष कुमार 30,000 रुपये लेते हुए और मोहम्मद एनु सोनू 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ सुबह गिरफ्तार किए गए और आगे की कार्रवाई की। हालांकि घूस मांगे जाने की शिकायत निगरानी में की गई। निगरानी की टीम ने मामले की जांच कर एक टीम का गठन किया जिसमें 3 डीएसपी, 1 इंस्पेक्टर सहित एसआई रैंक के पदाधिकारी और जवान शामिल थे। इस टीम ने एक चाय की दुकान के पास पैसा लेते हुए आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। विकास कुमार ओझा, न्यूज़ लाइफ, पूर्णिया।